और थोड़ी देर हिलाने के बाद ये पूरी बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बर्फी मैंने यहाँ पे बना ली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जबकि सीख तैयार हो जाएगी। आज मुझे पानी बाहर निकालना है, जो कि आज पूरी सीख मीठी हो चुकी है और उसे आज मैं सूखने के लिए रख दूंगा। तो शायद आज शाम तक या कल तक आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा, अगर सूख जाएगी शाम तक को, नहीं तो कल सुबह फिर। तो चलिए अभी फिलहाल करते हैं उसको, रखते हैं धूप में सुखाने। तो दोस्तों आज देखिए पानी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और तले में देखिए सफ़ेद सफ़ेद सीख है। तो अभी पानी बाहर निकालते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, अपनी सीख फाइनली सफेद हो गई है। तो ऐसा एक और है, और दो छोटे छोटे बर्तनों में इसको रखा था, तो वो दोनों तैयार हो चुकी है। और यहाँ ऑस्कर देखिए धूप में खेत में जाके बैठ गया है। तो ये दोनों देखिए दोस्तों पूरी सफेद हो चुकी है और अभी इन्हें एक बड़े से बर्तन में सूखने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों इस वाली को इसमें रखते हैं सूखने के लिए। तो अभी इसको ऐसे ही बड़े बड़े पीसों में रखेंगे सूखने। जब सूखेगी तो तब इसको ऐसा करके हाथ से कर देंगे, तब ये पूरी बारीक हो जाएगी। तो इसको मैं दिखाऊंगा शाम को। तो अब देखिए 10 मिनट के बाद ये धूप में अब जमने लग गई है और ये पूरी तरह से सूख जाएगी शाम तक। तो दोस्तों आज का काम भी हो गया है, आज भी हमने वैसा ही किया जैसा सेम। और इन बर्तनों में देखिए रखी हुई है जो कि अच्छी वाली सीख इसमें भी। तो इसके लिए 3 घंटे लगे हैं, सुबह से 7 बजे से लगे हुए हैं और अभी 10 बज गए हैं पूरे। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया और धूप में पूरे दिन भर रखे इसे, ये ऐसी चिपक गई है। और अभी कल भी अगर इसे धूप में रखेंगे तब जाके ये खाने योग्य बनेगी। तो अभी रहने देते हैं फिलहाल को इसे यहीं। तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दूसरा दिन और जो हमने सूखने के लिए सीख रखी हुई थी तो वो आज पूरी तरह से सूख चुकी है और इसे आज हम ऐसे हाथों से बारीक कण करेंगे इसके हाथों से। तो ये देखिए सूख चुकी है, तो इसके सहारे से हम करेंगे। तो इस तरह से देखिए बारीक कण हो जाते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, बर्फी मैंने यहाँ पे बना ली है और इसकी बनाई है। तो ऐसा कुछ करते हैं दोस्तों, और ये देखिए कण कैसे अलग हो जाते हैं। पूरी बर्फी लग रही है देखिए इधर। तो बारीक करने के बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ पे रख दी है सूखने के लिए फिर से। अच्छे ढंग से यह बारीक नहीं हुई है क्योंकि अभी तक इसमें जो है पूरी तरह से ये सूखी नहीं है। तो आज शाम तक ये सूख जाएगी, शायद आज शाम तक ही मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा इसको। तो ये दुपट्टा ऊपर से रखते हैं और सूखने देते हैं। दुपट्टा इसलिए रख रहा हूँ ताकि कोई परिंदा ये पर ना मार सके दिन में। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको सीख कैसे बनती है और पूरा हलवा जो कि हमने निकाला था पाउडर, उसका दिखाएंगे सीख कैसे बनती है अभी। तो देखिए थाली में पूरी ये पाउडर हमने निकाल दिया है, ये सूख गया है और इतना काफी होता है, तो इससे बहुत सारी बन जाती है। तो दोस्तों ये है सीख, ये है पानी एक मग में, और ये घी लेंगे पूरा देसी घी, और ये चीनी, इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ये देखिए इसमें इतना काफ़ी है।
इसको रखेंगे हम तंदूर पे और तड़के के बराबर इसमें घी लगेगा, तो इसे घी को एक साइड रहने देते हैं। पहले डालेंगे इसमें चीनी एक चम्मच, दो, तो चीनी इसमें स्वाद अनुसार डालते हैं। इसमें मैंने 9 चम्मच डाल दिए हैं। और अब डालेंगे इसमें पानी, तो ये ठंडा पानी डालना पड़ता है इसमें। तो अब इसे ऐसे हिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से घुल मिल ना जाए। तो दोस्तों ये पूरी तरह से मिल गई है इसमें, और इसको डालते हैं इधर पे। दोस्तों इसको ऐसा हिलाना पड़ता है जिससे कि अब बिल्कुल हलवे की तरह बनेगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल हलवे की तरह वो बन रही है, और थोड़ी देर हिलाने के बाद ये पूरी बन जाएगी। कैमरे में अभी भाप बन रहा है। तो अब इसको ऐसे जल्दी जल्दी से घुमाना पड़ता है। तो दोस्तों सीख हमारी तैयार हो चुकी है बनके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। तो देखिए कुछ ऐसी बनके तैयार हो गई है ये गाइस, और पूरा हलवा है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है ये। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनी हुई है ये, एकदम करारी बनाई हुई है थोड़ी जला के। तो दोस्तों सीख तो एकदम बढ़िया बनी थी बिल्कुल, और करारी उसको बना के किया था, तो देसी घी बिल्कुल उसमें डालते हैं और बढ़िया बनी थी। और खाते अभी फ्री हो चुके हैं, तो दूसरा पार्ट भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।